प्रयागराज में कानून का इकबाल खत्म हो गया है। दिन हो या रात बेखौफ बदमाशों का आतंक है। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक कार सवार को दबंग सरेआम पीट रहा है। घटना सिविल लाइन इलाके की है, जहां कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। 5-10 मिनट की घटना में मेरे सर में काफ़ी गहरी चोटें लगी, जिसमें मैं 3-4 टांके भी लगे। इसके बाद जैसे ही घटना घटित हुई, मैं तुरंत वापस अपने जहां एसोसिएशन की मीटिंग हो रही थी, ख़त्म हो चुकी थी, वापस गया। मुश्किल से वो 15-20 कदम में था, तो सारे लोग आए, तब तक वो लोग मार के मुझे भाग चुके थे, और मेरा जितना भी सामान था, चेन था और कैश था, वो लूट के जा चुके थे। पुलिस ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे कि अपराधियों को पकड़ा जाए, या उन लोगों की शिनाख्त तक नहीं किया है उन्होंने। वहीं घटना के बाद डॉक्टरों में रोष है। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। थाने की पुलिस का रवैया बिल्कुल ढिलमिल था। वहां हम लोग जब पहुंचते हैं तो हम लोगों को बाहर वेट कराया जाता है, इंतजार कराया जाता है, जानकारी उन्हें सब हो चुकी होती है। चूँकि जिस पक्ष ने ये हमला किया है वो पहले ही जाके वहाँ पुलिस सूचना दे देता है, वहाँ पर उनका दबाव हो जाता है, हम लोगों को बाहर खड़ा रखते हैं, आधे घंटे के बाद अंदर बुलाया जाता है, और अंदर बुलाने के बाद घटना की जानकारी ली जाती है, पर कोई भी चीज़ें वहाँ पर लिखी नहीं जाती, और ऊपर से ये कहा जाता है कि डॉक्टर साहब देख लीजिए, इसको आप लोग अपने तरीके से निपटा लीजिए। ये निपटाने की बात कही जाती है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आती बात है कि निपटाया क्या जाता है। डॉक्टरों पर बदमाशों के कहर का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं, लेकिन पुलिस बेखौफ बदमाशों के सामने मुख दर्शक बनी रहती है। प्रयागराज से संतोष सिंह के साथ प्रीति चौधरी, हिंदी खबर।